क्योंकि ये पत्थर निकलवा दिए घर वालों ने, तो इस वजह से मगर यार वॉश एक बार ही करवा लूंगा जब काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रोज की रोज वॉश करवाऊं और फिर भी घर पे खड़े रहे। उसके बाद काफी टाइम बाद फॉर्च्यूनर चला रहा हूं मैं, सच बताऊं। तो अभी आए हैं हम भौंसी और यहाँ से लेनी हमको प्योद, किस चीज़ की, अपने सब्जियों की, इन सब सब चीज़ों की, क्योंकि सोच रहा हूँ अगर गमरों तो ऊपर बनी गया है, अपना खाना पीने का भी ऊपर लगा लूँ सबसे बढ़िया रहेगा। तो प्योद लेने आए अभी यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या है प्योद लेने, वो भी इतने सारे आदमी, तो मेरे को पता नहीं था लेने के लिए, उसे साथ लेके आया भाई को, मैंने चल मेरे को नहीं पता क्या क्या लेना है, तो बोल रहे कि ऊपर ही अपना ऑर्डर बनाएंगे अच्छे से और सब्जी वब्जी उगाएंगे वहाँ पर ही, अब ऑर्गेनिक खाएंगे, घर की उगाई सब्जियाँ खाएंगे, कोशिश करेंगे अगर हो जाएंगे तो ठीक है, ना होंगे तो कोई बात ही ना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दूँ कि भाई हो जाएंगी, तो डेली व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यार देखो रोजगार रूटीन एक ही हो रहा है, घर पे ही रहना, डेली वही रूटीन आपको दिखाऊं तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार जब कंप्लीट हो जाएगा, अगर मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं, हाँ मेरे को ब्लॉग शूट करना चाहिए, अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम है जो कि घर से हट के बाहर के सारे काम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे गोभी तो ऐसे ही लगा देना वो छत पे सारे में, तो ये है टमाटर की प्योर, टमाटर की भी लेनी भाई, डाइट का खर्चा बचा बढ़ाने, मान सो 5-7 किलो बढ़ेंगे अगर सब्जी में डालना हो तो 5-7 किलो लग जाएंगे, फोकस करो भाई। तो भाई इसमें ले लिए है हमने बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और ढेर सारी हरी सब्जियां के पैकेट, ये दिखाऊंगा मैं आप सबको घर जाके कि क्या क्या मैंने लिया है, और ये प्याज है और ये बीज है। तो कुल मिला के मतलब आने वाले टाइमों में ना तुम्हारा भाई ऑर्गेनिक सब्जी खाएगा। ट्रिप पे जाने से पहले इस गाड़ी का एक बार फुल चेकअप कराऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है मेरे को गाड़ी के अंदर, जो कि मतलब इतनी बड़ी नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है, बट चेक करवा लूंगा क्योंकि जो, चलो वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा आपको क्योंकि अभी पक्का नहीं पता, मैं आपको बोल दूं और वो काम ना निकले तो पहले मैं चेक करवाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि 14 तारीख को गाड़ी जाएगी, मेरी बात होती है तो बोल रहे थे छुट्टी पे है एंड वो बोल रहे भाई 14 तारीख को आ जाइए, 14 तारीख को गाड़ी छोड़ गए, एक दो दिन में गाड़ी चेक करके और वापस देंगे। जहाँ तक है कि सोच रहा हूँ कि भाई टायर से चेंज करवा दूँ या फिर आके चेंज कराऊँ, वो एक बार मैं कंपनी में कन्फर्म कर लूँगा, 7000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी आराम से। अभी हम जा रहे हैं नवेडा जा रही है इसलिए क्योंकि मेरे को लेके आनी दीको, नहीं नीचे ले ले भाई, दीको लेके आना है। और भाई काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपकी गाड़ी में म्यूजिक नहीं बजाते हो आप, भाई मैं बजाता हूँ बट एक पता है प्रॉब्लम क्या होती है, कॉपीराइट की, और वो कॉपीराइट घना परेशान करता है, इस वजह से मैं कहा यार जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो म्यूजिक नहीं बजाता हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता तब मैं सुनता हूँ, वैसे भी यार मेरे को बहुत ज्यादा शौक है म्यूजिक का, सच बताऊँ तो मैं बजाता भी खूब अच्छे से, इसमें मैंने लगा रखे कंपोनेंट इन्फिनिटी के, ये जो कंपनी स्टॉक आया था वो मैंने काफी टाइम पहले ही हटवा दिया था स्टार्टिंग में, मतलब मैं एक दिन देखना कचरे से ना कितना ऊंचा पहाड़ बना देंगे, देखिए माउंट एवरेस्ट को फेल कर देंगे ये, मतलब जब भी निकलता हूँ ना ऊपर ही पाता है, कम तो होता ही नहीं है, और इसमें देखिए कितने सारे बाज उड़ रहे हैं, और मेरे घर से ये दिखता है वो, मतलब मैंने व्यू क्या दिखाया कि कचरे का पहाड़ मेरे घर से दिखता है, ये है मेरा व्यू। मेरे को हमेशा ना यहाँ पे पकड़ते थे स्पीड वाले, बट आज ये खड़े अपोजिट साइड, भाई मानसो से पहले कह रहा था मैं यहाँ स्पीड वाले मिलेंगे और 110% मिलते हैं, फरीदाबाद रोड पे दो जगह आए इनके, दो जगह 110% मिलते हैं। तो भाई एक घंटे के ट्रैफिक में फंसने के बाद हम पहुंचे हैं नवेडा सेक्टर 18 एंड वैसे अब सर्दी आ गई, अब मेरा वापस फेवरेट मौसम आ गया कि जिसमें मैं टी शर्ट पहन के आराम से घूम सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को ना एक जैकेट के ऊपर इतने थ्रंट मारे थे कि किसी ने नहीं मारे। आज एक घंटा लगेगा अभी तुम्हारे में। हेलो 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 गाइस, और गाइस क्या हाल है, बढ़िया गाइस,
अब चलेंगे साथ। आपने मेरे को 5 मिनट लेट करवाया है, पता आपको? क्यों कुछ कैसे नहीं होते? और स्कूल के कपड़े कहाँ पहन रखे तूने? स्कूल के नहीं है, ये तो मेरे बर्थडे के है, जब मेरे बड्डा हुआ था। तेरा बड्डा हुआ था? बड्डा हुआ। तो आपका नाम क्या बताता था एक बार? एंजल। पूरा? है लॉगिन बना दो मेरे। पांच बज लिए निकलते निकलते। 5 मिनट बोला इसने, लेट करवा दिया मेरे को। चल भाई देखो गाड़ी कितनी दबी, सामान कितना जा रहा है। तेरी मम्मी खाली बैग ले जा रही है और पूरे से भर के लेके आएगी ना। मैं जीजू कह रहा, अच्छा मैं नमस्ते, ठीक है, मैं कह रहा जीजू वो कभी तेरी मम्मी खाली बैग ले जा रही है, पर भर के आएंगे ना। भर के जा रहे अभी। भाई अब हो गया ड्राइवर चेंज, मतलब हिमांशु तो थोड़ी देर हम भी गाड़ी चला ले, मतलब ले जब भी गाड़ी को, मैं थोड़ी बहुत जो कमी है गाड़ी में, अगर कोई वो आवाज वूज है तो वो जब भी सर्विस में जाएगी ना तो मैं उसको बता भी दूंगा। सात बज गए और अभी काम चल रहा है अपना बिजली का, है ना भाई अभिजंदर? उसके बाद होगी फोर्थ सीलिंग। इसके दौरे कर रहा है क्या? और भाई इधर का देखो, मतलब रात हो रही है, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये बिजली की फिटिंग हो चुकी है। और सबसे ज्यादा वायरिंग है वो है स्पीकर की, जैसे यहाँ स्पीकर आएगा, यहाँ पे स्पीकर आएगा और यहाँ पे स्पीकर आएगा। और भाई जैसे कि मैन स्पीकर के जो पॉइंट है वो मैंने अलग अलग छुड़वा दिया अंडर अंदर अंदर के, एक वो है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और यहाँ पे आएगा बेस का, मतलब ये रहा। तो सारे जो है बिजली के कम है और स्पीकर के ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट बिजली का काम हो चुका है कंप्लीट, फिटिंग हो चुकी है। अभी जो तार है वो भाई कह रहा है मैं अभी गेर दूंगा, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग। ये वायरिंग आ गई है, ये एसी की है और ये वायर स्पीकर की। और ये भाई वो ये अपना फोर्थ सीलिंग का सामान पड़ा है, ये पड़ा इधर। तो कुल मिला के मतलब कल का काम हो गया है, कल हो जाएगा काम फिटिंग का बिजली का। और भाई ये टाइल वेल पे रखी है, उस दिन आ गई थी, मैं आपको दिखाया ना, भूल गया, ये रखी है टाइल, ये उस थी और ये बाथरूम की और ये फ्लोरिंग की, मतलब ये दिखा दूंगा जब लग जाएगी आपको। बाकी चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और अभी मैं जा रहा हूँ जिम में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।